कितने मंत्री ऐसे हैं या ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो 10,000 से ज्यादा की स्टेबल लीड ले चुके हैं? सोहेल, आपसे जानना चाहूंगा मैं। बिल्कुल शरद जी, मैं अपडेट जरूर दूंगा आपको, दर्शकों को, तमाम लोगों को, लेकिन उससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं, बम पटाखे, आतिशबाजी जारी है। उससे पहले हमने कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की, कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, उस पर भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को वो अपडेट दे दें, कैसी वो तमाम सीटें हैं, कौन सी वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी प्रत्याशी 10,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रही है। सांची 22,000, प्रभुराम चौधरी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बेहद चर्चा में ये सीट रही। 22,000 की जो बढ़त है निर्णायक हो सकती है। बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव 18,000 वोटों से आगे, ये तमाम सीटें हैं जिस पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा की बढ़त है। 6 इस तरह की सीटें आ रही हैं, बमौरी उनमें शामिल है, 16,000 की बढ़त है बीजेपी के पास। महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे चल रहे हैं और ये बढ़त निर्णायक भी हो सकती है। सुवासरा की बात करें, हरदीप सिंह डंग यहां से उम्मीदवार हैं, 13,000 से ज्यादा की लीड ले चुके हैं। ये बढ़त को कांग्रेस घटा पाएगी या नहीं कहना मुश्किल है, इंतजार करना होगा। नेपा नगर सुमित्रा काजडेकर चर्चित सीट रही, बीजेपी की विधायक थी, इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हुई, 12,000 वोटों से ज्यादा आगे चल रही हैं। सांची 22,000, 6 वो सीटें आपको दिखा रहे हैं लगातार जिस पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा की बढ़त बना चुकी है। इससे पहले कि मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाऊं, नेहा बग्घा जी आप